गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है भव्य और आप देख रहे हैं भव्य शो। और इसमें मैं आपको मिलाऊंगी एक बहुत बड़े शख्स से जिनका नाम है मिस्टर केशव। आइए केशव। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। आपके शो में आने का खुशनसीबी मुझे मिला। तो आज आप मुझसे क्या पूछने वाली हैं? इतने छोटे से गांव में बड़ा शो, बड़े लोगों का योगदान होता है हमेशा। कोई भी बड़ा शो या कोई भी बड़ी सी चीज़ें अकेला नहीं कर सकते आप। तो पहल थी, पहल पे शरद विवेक सागर तक का रिएक्शंस आए और पहल के बाद जो एक्टिविटीज़ थी, मतलब पहल के बाद जो इच्छा शक्ति थी, मैं बोलूँगा वो लीड किया पूरे प्रोग्राम को और सब लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। गाँव में हर तबके के लोगों ने उसको सपोर्ट किया, टेंट से लेकर के हर चीज़ों की व्यवस्था में लगभग सारे नवयुवक लग गए और सब ने मिलजुल के इस पर काम किया। इसमें से कुछ विशेष लोग हैं, अनिल कुमार मुन्ना जी हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, मुरारी जी हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, संजय काका हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, शकील है, शकील ने सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने एक साथ सब लोगों ने हाथ दी और सब लोगों के सपोर्ट से इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ। जिम्मेदारियाँ भी हम लोगों ने बांट दिया अलग अलग जगह। टेंट की जिम्मेदारी मुखिया जी ने ले ली, बाद में जब फाइनेंशियल कुछ जरूरतें थी उसको श्री शंकर मिश्र हैं, प्रधानाचार्य हैं आदर्श विद्या मंदिर के, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट किया अपने ट्रस्ट के थ्रू। इस प्रकार से सबके सपोर्ट से प्रोग्राम हुआ और फिर फाइनली वो प्रोग्राम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने सुनने में आया कि आपने 2000 बच्चे बुलाए, तो 2000 बच्चे आपने कैसे बुलाए? ये एक तरह से देखिए तो ये इन्फॉर्मेशन हमने ब्रॉडकास्ट किया था अपने लेवल पर। हमने क्या किया, हर स्कूल में जा जा करके बच्चों को बताना शुरू किया, इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि विश्व प्रसिद्ध उद्यमी मिस्टर शरद विवेक सागर छोटे से गांव में आ रहे हैं, दात गांव में आ रहे हैं। तो मैंने ढराई स्कूल में गया, मैं नीलमणि उच्च विद्यालय बिहार में गया, मध्य विद्यालय बिहार में गया, हनुमान नगर स्कूल में गया, परोड़िया स्कूल में गया, शारदा कोचिंग सेंटर तक बात पहुँची, दात स्कूल में गया। लगभग 15 स्कूलों में हमने लगभग 4 दिनों में सुबह से शाम तक, सुबह से दोपहर तक का मॉर्निंग स्कूल था, तो सुबह से दोपहर तक हर स्कूल जा कर के हमने पोस्टर्स लगवाए, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन बताई कि भारत के इकलौते इंसान जिसको बराक ओबामा ने बुलाया था अपने, जो भारत के विश्व के उद्यमी हैं जिनको फोर्ब्स मैगजीन में भी लिस्टेड किया गया था टॉप 30 अंडर 30 इसके, तो इनको ये हमारे पास आ रहे हैं। ये शरद विवेक सागर वही शरद विवेक सागर हैं जो 160 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में के ग्रेजुएशन डे में बोलते हैं, पहले भारतीय बनते हैं जो ग्रेजुएशन डे में बोलने का मौका मिलता है, वो शरद विवेक सागर दात गांव में आ रहे हैं, एक छोटे से विलेज में आ रहे हैं। तो इस बात को मैंने हर तरफ से हर स्कूल में जाकर बच्चों को बताई कि कितना अच्छा मौका है, ये वही शख्स हैं जो गाँव में पढ़ते थे आपकी तरह, हर स्कूल में बोलता बच्चों को, ये वही शख्स जो आ रहे हैं ये भी गाँव में पढ़ते थे, इनके पिताजी भी एक बैंक कर्मचारी थे और वो शख्स 4 करोड़ का स्कॉलरशिप लेकर के विदेश पढ़ने जाते हैं, अमेरिका पढ़ने जाते हैं। वो शख्स जब इस लेवल तक जा सकता है गांव से उठ के, तो हम सब क्यों जा सकते हैं? तो ऐसे प्रेरणा के स्रोत हमारे गांव में आ रहे हैं, तो लेट्स वेलकम हिम। तो उनको आइए आप लोग मिलिए, तो समय निश्चित था, स्थान निश्चित था और सब स्कूल में जाकर बच्चों को बताया, बच्चे बड़े इंस्पायर हुए, बच्चे बड़े खुश हुए और सब बच्चे आए। और शरद सर ने भी ये क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे, शरद सर ने पूछा आप लोगों को लाया गया है या आप लोग खुद आए हैं? सब बच्चे ने एक साथ उत्तर दिया था, देट वॉज अ स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन, वो एक तरह से एकाएक पूछा गया प्रश्न था, वो एक सरप्राइज था। तो सब बच्चों ने एक साथ बोला कि हमें बुलाया लाया नहीं गया, हम खुद आए हैं आपको सुनने के लिए, डेक्स स्कूल का CEO शरद विवेक सागर इज कमिंग समथिंग। फिर हमने क्या किया, लाउड स्पीकर लगा करके ऑटो में लगा करके उसको ब्रॉडकास्ट किया, अनाउंसमेंट करवाया कि विश्व प्रसिद्ध उद्यमी शरद विवेक सागर दात गाँव में आ रहे हैं, आप लोग आइए, प्रेरणा के स्रोत से मिलिए और कैसे आगे बढ़ना है कि जो भी जिज्ञासा है उनसे शेयर कीजिए, वो आपसे मिलेंगे। और बहुत शानदार प्रोग्राम उस प्रकार हुआ और बच्चे आए, लगभग 2000 बच्चे आए, एक छोटे से गांव में 2000 बच्चे आते हैं, अभिभावक आते हैं, तो मुझे लगता है प्रोग्राम बहुत ही शानदार गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इस प्रोग्राम को सफल मानते हैं या नहीं? हाँ ऑब्वियसली मैं इस प्रोग्राम को सुपर डुपर हिट मानता हूँ, सफल से इसके ऊपर मैं सफल एकदम सफल मानता हूँ, 100% सफल प्रोग्राम था। मेरा रीजन कहने का ये था कि आप कोई भी चीज़ करते हैं
अगर उस चीज़ों में हर चीज़ शुरुआत घर से होती है, ये मैंने माना और आपने सुना भी होगा, तो सफल प्रोग्राम इसलिए था उस प्रोग्राम में बिना बुलाया पिताजी, बस इन्फॉर्मेशन थी पिताजी खुद आए उस प्रोग्राम में, मेरी पत्नी थी गांव में, वो भी उस मंच तक आई, उस मंच के नीचे वो भी बैठी हुई थी श्रोतागण में, मेरी दीदी थी वो भी थी, मेरी माताजी भी पैदल उतना दूर आकर के प्रोग्राम में आकर के शिरकत किए और फिर वापस चले गए। तो हमारी छोटी सी बेटी है 5 साल की, 8 साल की, वो भी उस प्रोग्राम में गई। तो कोई प्रोग्राम सक्सेसफुल इसीलिए है अगर आपका पूरा परिवार उस प्रोग्राम का महत्व इतनी समझता, इतना समझता, उस प्रोग्राम कितना महत्व देता है, आपके एक एक लोग जो प्रोग्राम में शिरकत करते हैं अपने आप जिज्ञासा की तरह, मेरा भांजा आया दूर से, आया भांजी आई, दीदी आई, दो तीन दीदी सब आई, तो ये सक्सेस प्रोग्राम में तो क्या है, सब लोग हमारे में, हमें लगता है अब बाकी 2000 लोग थे इस चीज़ गवाह बनने के, बाकी हमारे फैमिली के लोग भी आए, तो मेरे लिए प्रोग्राम एक्चुअली सक्सेसफुल है। दैट वाज इंस्पायरिंग थिंग फॉर मी। हाँ, तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आप चाहें तो अपने इस प्रोग्राम के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें, इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। ओह थैंक यू, ये अच्छी बात है। प्रोग्राम के बारे में 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाली है, मैं शिकायत नहीं कर रहा लेकिन इस चीज़ से कुछ निकल के आती है इसलिए शेयर करना चाहता हूँ। वो निकल के ये आती चीज़ें कि हमारा पूरे गाँव से संपर्क है, सब लोगों से प्यार मिलता है, सब लोगों से खान पान चलता है, लेकिन संयोगवश किसी वजह से, मैं वजह पता नहीं क्या है, उनसे खान पान कुछ दिनों से बंद हो गया है किसी वजह से, मैं डिस्कस नहीं करूँगा जो भी है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ है, एक चीज़ यह है कि मेरे से सीखने वाली एक चीज़ है जो खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, और सेकेंड चीज़ उधर से सीखने वाली चीज़ बड़ी चीज़ है। अब मैं जहाँ पे अब देखिए खान पान नहीं चल रहा है, खाना पीना आना जाना बंद है, वहाँ पे इस प्रोग्राम को लेकर के, चूँकि ये प्रोग्राम सार्वजनिक प्रोग्राम था, मैं उसको सत्संग का नाम देता हूँ, अच्छे लोगों का संगति है और यहाँ पे बच्चे इंस्पायर होंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो यहाँ पे कोई वंचित नहीं होना चाहिए, यहाँ ज्ञान की वर्षा होने वाली थी, हमारे दात गांव से ज्ञान की गंगा बने वाली थी, और भागीरथ का नाम शरद विवेक सागर था। हमने कहा कि मैं सब पाप नहीं करूँगा, मैं सबको बताऊँगा आस पड़ोस, और मैं उन 3-4 लोगों को भी जो आदरणीय हमारे लिए हमेशा है सदैव रहेंगे उनके पास भी हम गए और बताया कि ऐसे शरद विवेक सागर इतने बड़े महान शख्सियत हैं, इतने प्रेरणादायक इनका व्यक्तित्व है, इतना कुछ सीखने थे उनसे, वो आ रहे हैं हमारे समाज में, हमारे पास आ रहे हैं, वो हमारे गांव में आ रहे हैं, तो आप भी आइए। और ये तो मैंने बोला ये छोटी सीखने की बात, सेकेंड सीखने की बात यह है कि उन्होंने क्या किया, फ़ोन किया और उन्होंने अपने बेटियों को जो हमारी दीदी लगती उनको बुलाया, अपने नाती को बुलाया जो हमारा भांजा लगता उनको बुलाया, उन्होंने इन्फॉर्मेशन आगे फैलाई। अब बातें यह है कि हम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज हम लोग कर रहे थे, प्रोग्राम ये प्रोग्राम समाज का था, प्रोग्राम हमारा पर्सनल नहीं था, लेकिन ऑर्गेनाइज तो हम कर रहे थे, वो वहाँ पे ईगो या घमंड वाली बात आ सकती थी, नहीं मैं हमें भी बुलाऊंगा, लेकिन ये सीखने वाली बात है कि उन्होंने सबको बुलाया और खुद भी प्रोग्राम में आए, बच्चों के लिए क्या आए, खुद भी अरविंदर भैया के प्रोग्राम में आए, नरेंद्र सरकार के प्रोग्राम में आए, जरोगा भैया प्रोग्राम में आए, चंदन भाई सदू भाई भी प्रोग्राम में आए, सब लोग प्रोग्राम में आए, सपोर्ट भी किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात सीखने की बात है कि आपका आपसी मतभेद अलग है, लेकिन समाज का काम जब आया, जब ज्ञान की बात हुई तो यथार्थ हुआ कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो, डैश 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 कंचन तजेने कोई, राइट। तो अच्छा ज्ञान कहीं से भी लेना चाहिए, ये वहाँ पे चरितार्थ हुआ कि अगर अच्छी ज्ञान है, अच्छी सीखने की बात है, तो किसी भी हद तक नीचे बैठना भी पड़े तो बैठो, लेकिन ज्ञान लो। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जितने बच्चे आए थे, 9th के 12th के 8th के 7th के बच्चे थे, सब बच्चे नीचे बैठ के भाषण सुने, सर जो गुरुकुल वाली परंपरा है वहाँ देखने वाली थी, वो चीज़ देखने वाली थी, वो शानदार चीज़ थी। एक ये बात हुई। सेकेंड एक बात मैं वो बताना चाहूँगा कि अब प्रोग्राम के लिए आपके पास इतने महान महान व्यक्तित्व आ रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट पर्सन आ रहे हैं जिनके अचीवमेंट की कहानी सब जानते हैं, अब ये आ रहे हैं तो इनके लिए तैयारियां भी होनी चाहिए उस लेवल की। तैयारी मतलब व्यवस्था, तैयारी मतलब सहजता, एक अच्छा माहौल, तैयारी का मतलब पॉजिटिव माहौल से है। तो हमने समाज के लोगों को बताया, हमने यंगस्टर्स को हमने बताया, एक्चुअली मेरे दिमाग में स्पॉन्टेनियस वो चीज़ आई थी, मतलब एकाएक आई थी, हमने शेयर किया उनसे कि आपको तो मिट्टी लाना है बाल्टी में, अगर आप बाल्टी मिट्टी भरोगे कैजुअली आ जाओ, थोड़ा बहुत गिर नहीं पड़ता,
वही अगर आपको बाल्टी में पानी लाना पड़े तो आप थोड़ा सा केयर करोगे और ऐसे ऐसे करके आओगे, थोड़ा बहुत पानी गिरेगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पानी गिर रहा है, बिट्टी से अधिक तकलीफ होगी पानी लाने में। लेकिन जब वहीं पे आपको बोला जाए कि जाओ दूध लेके आओ, दूध पानी से ज़्यादा कीमती अभी भी है आज के डेट में, तो यही है, तो आप और भी केयर से लाओगे, भाई साहब गिरना नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत गिर गया बहुत हो गया, गिरना नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर आपको बोला जाए घी लेके आओ बाल्टी में, तो आपकी औकात नजर आ जाती है, एकदम ऐसे ऐसे करके एकदम नहीं गिरना चाहिए लग जाए। तो जितनी बड़ी चीज आपके पास आ रही होती है उतना ज्यादा जिम्मेदारी भी साथ लेके आ रही होती है। तो शरद विवेक सागर हमारे गांव आ रहे थे तो हमारे लिए एक प्रोसेस हुआ चीज, एक प्रीसियस चीज आ रहा था, समझ लीजिए बाल्टी में घी लेके आ रहा है, तो उतनी ही जिम्मेदारी से रखना पड़ेगा, उतनी जिम्मेदारी से तैयारी करनी पड़ेगी, उतना ही सकारात्मक माहौल बनाना पड़ेगा, उतनी ही बच्चों को इंस्पायर करने के लिए एक स्टेज बनाना पड़ेगा और इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये सब बातें थोड़ी बहुत बातें हैं जो सीखने लायक थी। प्रोग्राम की शुरुआत जैसे हुई थी तो उसमें क्या है, जिससे मेरी बेटी 8 साल, उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे छोटे छोटे जो दोस्त थे उसको उसको भी बुलाया और दिन में सरस सरस मिलाया। इतना ही नहीं, इतनी धूप में उस अपने सारे बच्चों को लेकर के प्रोग्राम सुनने गई। उन बच्चों का एज कितना होगा, 7 साल, किसी का 8 साल, किसी का 5 साल, अपने दोस्तों के लिए देख के प्रोग्राम में। ये क्रेज है, ये एक पॉजिटिविटी है, बच्चे क्या सीख रहे हैं, बच्चे क्या समझ रहे हैं, वो बात की बात है। पहले देखो बच्चे क्या सुनने और किसको सुनने और किस उत्साह से जा रहे हैं। तो प्रोग्राम की सफलता इसी को बोलते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ये सफलता नहीं प्रोग्राम का तो क्या है, सारे बच्चे आ रहे हैं और शरद सर की महानता देखिए, सिंपलिसिटी देखिए, वो सारे बच्चों से मिल रहे हैं, सारे बच्चों को हक कर रहे हैं, सारे बच्चों से हेलो कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, सबका नाम पूछ रहे हैं प्रोग्राम के बाद में। और फिर सबसे बड़ी बात है जो प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के लास्ट में जो क्वेश्चन सेशन हुआ उसमें कितने लोगों ने साझेदारी निभाई, कितने बच्चों ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, कितनी लड़कियों ने उसमें जो प्रश्न पूछे सर से, और सबको कितना मजा आया। प्रोग्राम 4 बजे से था, प्रोग्राम 4 से 5:30 का प्रोग्राम था, प्रोग्राम 6:45 तक चला, अंधेरा होने तक चला प्रोग्राम, और बच्चे छोड़ने में तैयार नहीं थे, और सरद सर स्टेज से आते आते बच्चों के पीछे में आ चुके थे प्रोग्राम खत्म होते होते, खत्म होने से पहले, और सबके क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, किसी का क्वेश्चन डिस्कार्ड नहीं हो रहा था, और सब आते थे सेल्फी ले रहे थे, सब बच्चों के साथ मिल रहे थे और सबके क्वेश्चन आंसर हो रहे थे। तो यही तो है, आपका ऑडियंस भी प्रोग्राम में इतना इंटरेस्ट ले, ये कितनी बड़ी बात है, इसी को प्रोग्राम में सफलता बोलते हैं मेरे हमारे मुताबिक। और पूछिए आप अगर कुछ पूछना चाहती हैं तो। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो एक आइडिया क्या निकाला कि हर एक स्कूल में से आपने एक एक बच्चे को लिया, वो आए शरद सर के साथ डिनर में, और इनसे उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या सेशन हुआ, उसके बारे में आप कुछ बताइए। हाँ, ये एक शानदार चीज़ था, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एक आइडिया आया था, उसमें था क्या, जो बच्चे सुन रहे हैं उनको। अब यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं, जो बच्चे उनको सुनने आए थे वो बच्चे 9th के हैं, 10th के हैं, 6th के हैं, कुछ बच्चों पे तो इमीडिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव उनके दिमाग में पड़ेगा, प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। 2000 बच्चे में अगर 20 बच्चे भी का जिंदगी बदलता है, समाज बदल जाएगा हमारा, तो हमारा मेहनत जो है घुमाने में उसको। उसके बाद यह था, कुछ बच्चों को आज सुनी हुई चीज़ 2 साल बाद 1 साल बाद, मेरा मानना है कि कुछ चीज़ आप आज सुनते हो 1 साल बाद 2 साल बाद भी रिकॉर्ड हो सकता है, वो चीज़ आपको रिपीट हो सकती है, उस समय उसकी महत्व तो समझ में ना आए लेकिन समय के बाद समझ में आती, समय बीतते समझ में आती है। तो मैंने सोचा कि अब हम क्या करें इस प्रोग्राम को और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, हमने क्या किया, हर स्कूल्स में जाकर के प्रधानाचार्य से निवेदन किया कि आप अपने एक बच्चे को, सबसे मेधावी बच्चों को हमारे घर भेजिए, श्री बद्रीनारायण झा के घर पर भेजिए, और वहाँ हमने इतने बड़े शख्सियत के साथ, शरद विवेक सागर के साथ डिनर का प्रोग्राम किया, रात्रि भोजन का प्रोग्राम रखा है। तो इसके पीछे आइडिया ये था कि जितने मेधावी छात्र हैं हमारे इलाके के, हमारे स्कूल्स के, वो साथ में खाना खाने उनके साथ आएंगे, तो ये एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, एक बात सुनना और अच्छी अनुभूति की बात है, उनकी जिंदगी में एक अनुभव आया, एक एक्सपीरियंस हुआ कि मैं उनके साथ आकर के खाना खा रहा हूँ, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में एक ही पंगत बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, बिहार में कल्चर है नीचे बैठे हैं सब लोग, नीचे बैठे सब लोग खाना खा रहे हैं, एक ही अपने अपने पत्ते पर खाना खा रहे हैं, और शरद सर बीच बैठे हुए थे, वो फोटोग्राफ कितना शानदार फोटोग्राफ है, आप देखेंगे सर सर बीच बैठे हुए, सारे बच्चे 4 से 15-20 बच्चे बैठे हुए हैं जो टॉपर्स अपने स्कूल से हैं, कोचिंग के हैं, और वो साथ
खाना खाया और इनकी कन्वर्सेशन चल रही थी, तो इट वॉज ऑल अबाउट एन एक्सपीरियंस। तो प्रोग्राम के साथ साथ ये भी जो शानदार एक्सपीरियंस है इन बच्चों के जहन में, बच्चों के दिमाग में एक अपनी पहुंच बनाई, पहचान बनाई। और लगभग डिनर लगभग एक घंटा चला, खाने का प्रोग्राम चला, एक घंटा खाते रहे। उसके बाद सरस सर ने इन सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए, चॉकलेट्स दिए बच्चों को, पेन दिए किसी बच्चों को। ये सब मेमोरेबल है और ये सब प्रीसेट चीज़ है पूरे प्रोग्राम के लिए। तो ये सब चीज़ें हुई और इस प्रकार से एक बहुत बड़े, आज अभी मुझे लगता है एक सप्ताह बीता लगा कि आज के दिन सर सर के साथ थे, सर 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 डिनर हुआ था, गाँव के बच्चे थे, उसका इतना पॉजिटिव रिव्यू आया उधर से, सो कितने एक्साइटेड है। प्रोग्राम के बाद एक शिक्षक संघ के लोग उनसे मिले, काफ़ी शिक्षक लोग मिले, मुझे भी समय दीजिए, मुझे भी बताइए बच्चों को कैसे पढ़ाना है। यही पॉजिटिव जागरूकता जो है, सकारात्मकता समाज का देखने को मिला, जो कि बड़ी चीज़ है, मेरा मानना है कि बहुत बड़ी चीज़ है। फिर सर अगली बार कब आएंगे, तो इस प्रकार से मतलब हर तरफ जो पॉजिटिविटी का माहौल बना है। मुझे अभी एक महीना होने वाला है, आज 22 तारीख है, दो तीन दिन बाद 25 तारीख को एक महीना पूरा हो जाएगा, और अभी तक लग रहा है कि सब कुछ नया है, सब कुछ ताज़ा है, सब कुछ अभी भी हुआ है। तो ये जो चीज़ है, जो पॉजिटिविटी है, ये लीड करती है लाइफ को, मुझे लगता है। और हमें भी कार्य करने की और इच्छा शक्ति जगती है और मन करता है काम करें। अगली बार कोशिश करेंगे और भी एक शानदार शख्सियत को लेके आए प्रोग्राम में, वो इंस्पायर करें। सर सर भी एक बार फिर से आए हमारे गाँव, फिर बच्चों को देखें, और हमें कुछ रिजल्ट आता है तो हमारे अच्छा है, कोई बच्चे को प्रफुल्ली हम जानते नहीं हैं। समाज की बात है, समाज उठेगा तो हर कोई उठेगा, बच्चा बच्चा उठेगा, समाज उठेगा, एक कोरिलेशन होते हैं मेरे मानना है, वो अन्योन्याश्रित संबंध बोलते हैं हम लोग, कि बच्चे उठेंगे समाज उठेगा बच्चे उठेंगे, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, तो आपको एक और आखिरी क्वेश्चन, तो आपको इस अच्छे से प्रोग्राम में आपको क्या बहुत ज्यादा अच्छा फायदा हुआ? मुझे क्या फायदा हुआ? आपको और पूरे गांव को क्या फायदा हुआ? पूरे गांव को जो फायदा हुआ मैं बता चुका हूँ, फायदा क्या होगा वो समय के साथ दिखेगा। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या फायदा हुआ, तो मेरा मानना है कि अगर गांव में किसी का भी फायदा होता तो आपका भी फायदा होता है। अभी क्या लग रहा होगा, ये बातें एक फिलोसफिकल बातें लगती है, अरे ये सब सर को बोलते हैं कि अगर किसी का फायदा होगा मेरा फायदा होगा। मैं एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ इस बात को, कि अगर किसी का फायदा होता है गाँव में, आपका फायदा कैसे होता है? मान लीजिए ये आपका घर है और आपका घर फूस का है, फूस का मतलब झोपड़ी आपकी बनी हुई है, ठीक है। अब आपका पड़ोसी अमीर बनता है, आपका पड़ोसी आगे बढ़ता है और वो एक दीवार लगाता है, तो बोलो आपका क्या फायदा है? अगर वो दीवार लगाता है, आपको पहला फायदा क्या है? धूप से बचोगे, छांव मिलेगी आपको फोकट की, आंधी तूफान से ही बच सकते हो ना, वो दीवार जो लगी बीच में, दीवार जो आई। तो अगर किसी का वो, अगर आपके आसपास सब तरक्की कर गए मान लीजिए, तो आपकी तरक्की स्वतः कुछ ना कुछ फायदा आपको हो ही जाता है। तो अगर गांव में या समाज में किसी का फायदा होता है, उसमें मेरा फायदा ऑटोमेटिक हो जाता है। थैंक यू पापा फॉर कमिंग हियर, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नो, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। थैंक यू फॉर कमिंग पापा, और इस बार का जो टॉपिक था वो बहुत अच्छा था, और अगली बार का भी टॉपिक इसकी जैसा ही धमाकेदार ही होगा। थैंक यू।